खौफ बदमाशों का कहर। कौन सी क्लासें पढ़ते हो? दसवीं में। और बाकी ये कितने कौन सी क्लासें पढ़ते हैं? दसवीं में पढ़ते हैं। नहीं है पुलिस का डर। यार तुम इतनी कम उम्र में कैसे ये बड़ा काम सीखा? बड़ा काम है तो बहुत छोटा काम है। ये करते हैं वसूली, करना चाहते हैं मर्डर। क्या क्या करना चाह रहे थे? मर्डर। कानून के सामने ही देते हैं गुनाह करने की धमकी। अभी शौक में कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में बता दूंगा हम क्या करेंगे। फिरौती मांगने पर हुए हैं गिरफ्तार, आना चाहते हैं जेल बार बार। अभी आप चिरोड़ी में लाल आन को बनिया पैसे मांगे थे उससे? हाँ दिए नहीं। कितने रुपए मांगे थे? 10 लाख रुपए। इन्हें रोक सको तो रोक लो। अभी शौक में कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में बता दूंगा हम क्या करेंगे। चीता कहेंगे मारो। क्या कह रहा हूँ? चीता कौन सा कहेंगे? चीता कहेंगे। तो देखा आपने, इनका तर्क है कि आने वाले दिन में बता देंगे कि ये क्या चीज है। पुलिस को चाहिए कि इनको बता दे कि पुलिस क्या चीज है। लेकिन अगर ऐसा हो तो आप देख रहे हैं तफ्तीश में, वो आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी, तो कह रहे हैं यहां पर कि रोक सको तो रोक लो। तफ्तीश की नई कड़ी में आप सभी का स्वागत है। अभी आपने जो देखा और सुना उसने एक बार फिर यह जग जाहिर कर दिया है कि यूपी में अपराधियों को पुलिस की सजा का कोई डर ही नहीं है। तभी तो गिरफ्त में आने के बावजूद भी वो बाहर निकलने के बाद लूट और मर्डर की वारदात को अंजाम देने की बात कह रहे हैं। और कौन है अपराधी और क्या गुनाह किया है इन्होंने और इतने खुलेआम किसको धमका रहे हैं, चलिए जानते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध पर लगाम लगाने के चाहे लाख दावे करे, बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आश्वासन दे, लेकिन सच तो ये है कि यहाँ पर अपराधियों को कानून का जरा भी खौफ नहीं है। इन तस्वीरों को देख और पुलिस की गिरफ्त में आए तीन बदमाशों की बातें सुन आप भी यही सोचेंगे कि आखिर कहाँ है कानून का डर, कहाँ है पुलिस की सजा का खौफ। आशु उर्फ डिप्टी, हरिंद्र उर्फ हैरी, रिंकू गुजर, ये तीनों 10वीं के छात्र हैं और इन तीनों को पुलिस ने बागपत से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कुछ दिनों पहले इन्होंने ही गाजियाबाद के कपड़ा व्यापारी और गौतम बुद्ध नगर के शोरूम मालिक से 10 लाख की फिरौती मांगी थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें पहले ही धर दबोचा। गिरफ्तार होने के बाद भी इन्हें पुलिस का कोई डर नहीं, ये उन दोनों व्यापारियों को मारने की धमकी दे रहे हैं और इन्हें यकीन है कि इनके साथ ही व्यापारियों को मार भी देंगे। जब यार तुम्हारा चैलेंज देखने को तुम्हें तुमसे डरेंगे कैसे? और ना नॉन से डर जाते तो नॉन से डर जाए। चैलेंज क्या नाम बताते हो तुमको? डिप्टी। तुम मशहूर हो डिप्टी के नाम? क्या क्या करना चाह रहे थे? मर्डर। किसका? अभी आप चिरोड़ी में लाल आन को किसका बनिया पैसे मांगे थे उससे? हाँ दिए नहीं। कितने रुपए मांगे थे? 10 लाख रुपए। क्या नाम है उसको लाल का? गुड्डू। गुड्डू कहाँ का काम करता है? लत्ता जूता। अच्छा, और भी किसी से मांगे पैसे? हाँ, और दादरी में किससे? शोरूम वाला जिसको भी मारते। इनका सपना है जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनने का और उसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या बड़ा नाम करना चाहते हो? कायम है ये मर्डर वर्डर में? क्यों करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो? शौक है। शौक है? अभी शौक में कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में बता दूंगा हम क्या करेंगे। चीता कहेंगे मारो। क्या कह रहा हूँ? चीता कौन सा कहेंगे? चीता कहेंगे। ये तीनों गाजियाबाद के रहने वाले हैं और इनके गैंग का नाम चीता है। पुलिस ने इनके पास से लूट की 6 लग्जरी गाड़ियां, दर्जनों बाइक और अवैध असला बरामद किया है। थाना चांदी नगर पुलिस ने एक लुटेरों का गिरोह पकड़ा है जो वाहनों की लूट करता है और पहले भी इस गिरोह का जो मुखिया है डिप्टी, ये जेल जा चुका है और इसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी और जेल से छूटने के बाद पिछले 1.5 महीने में इसने लगातार कई लूटे की हैं। इनसे 3 जो पकड़े गए हैं, इनमें से इनसे अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ है, तमंचा बरामद हुआ है, चाकू बरामद हुआ है। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है और उनसे कड़ी पूछताछ कर इनके बाकी साथियों की तलाश में जुट गई है। बागपत से कुलदीप चौहान, जी मीडिया। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कुलदीप चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, हम भी जानना चाहेंगे आखिर ये अपराधी हैं कौन और ये सीधे खुलेआम धमका रहे हैं। इनकी हमने बाइट सुनी, इन्होंने कहा कि अभी तो शौक के लिए कर रहे हैं, आने वाले वक्त में बता देंगे हम क्या चीज है। पुलिस को बताना चाहिए कि वो क्या चीज है, कानून क्या चीज है, आखिर पुलिस का खौफ इनमें है क्यों नहीं?
आज तो देखिए बता दो कि जो ये तीनों आरोपी हैं हाई स्कूल के छात्र हैं और लोनी इलाके गाजियाबाद के इलाके के रहने वाले हैं, इनके तीन जो साथी हैं वो भी फरार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान जो इन आरोपियों ने तीनों जो कबूल किया वाहन चोर जो पूरा कबूल किया है कि इनके पास जो वाहन पकड़े गए, इनका यही कहना था कि जो ये छोटी लूट है हम दो दिन के बाद किसी एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, दो व्यापारियों की घटना करने वाले थे, उनकी हत्या करने वाले थे। जो व्यापारी जो है वो एक तो दादरी के हैं गौतम बुद्ध के रहने वाले और दूसरे गौतम ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उनकी हत्या करने वाले थे क्योंकि 10 लाख की दमदारी मांगी थी उन्होंने। अभी इनका यही कहना कि हम जेल जा रहे हैं, जेल से छूटने के बाद उनकी हत्या कर देंगे। इनका यही कहना कि जेल में रहने के बाद ही हम इनकी हत्या करा देंगे, यही आरोप इन्होंने कहा है। जबकि जो पुलिस अधीक्षक है बागपत के जेके सही उन्होंने खुलासा किया है, उनका यही कहना था कि इनके पास से 6 लग्जरी गाड़ी और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। हालांकि समझना चाहेंगे फिर तो इस पर पुलिस के सामने ही साक्ष्य भी दिया गया और मीडिया के सामने जो है इस बंदों ने ऐसा कहा है, इन अपराधियों ने ऐसा कहा है, तो इस पर भी केस बनता है फिर। बिल्कुल आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो प्रेस वार्ता के दौरान जो ये जो बदमाश पकड़े बदमाशों ने जो धमकी दी है, व्यापारी को धमकी दी है, प्रेस वार्ता के दौरान जो कहा है कि उनकी हत्या कर देंगे जेल छोड़ने के बाद हत्या कर देंगे, वही दूसरा जो देखा जाए जो पुलिस अधीक्षक उनकी उस मामले की जानकारी दी। जी आप चलिए इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिये, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका कुलदीप। तो देखा आपने उत्तर प्रदेश में कानून का खौफ लगता है कि अपराधियों में वाकई कुछ कम हो गया है। पुलिस के सामने, पुलिस के बीच बैठे हुए, जेल जाते वक्त मीडिया के सामने ये खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि जेल अभी जा रहे हैं, जेल से निकलने दीजिए, फिर हम बताएंगे हम क्या चीज हैं। और तफ्तीश में अब बात एक ऐसे शख्स की जिसने अपने ही सगे भतीजे को उसके माता पिता से अलग करने की कोशिश की तो की, लेकिन वो पहुंच गया सलाखों के पीछे। रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है गाजियाबाद के विजयनगर से, जहां एक 8 साल की मासूम को पुलिस ने उसके चाचा के चंगुल से छुड़वा लिया है। पूरा मामला क्या है रिपोर्ट दिखाते हैं। 8 साल के इस मासूम का नाम गौरव है, जो अब सकुशल अपने माता पिता के पास पहुंच गया है। गौरव का अपहरण हुआ था और अपहरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि गौरव का चाचा ही था। रिश्तों को तार तार करने वाली वारदात सामने आई है गाजियाबाद से, जहां बीते 23 नवंबर को गौरव नाम का एक मासूम लापता हो गया था। गौरव के पिता ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। वारदात के अगले दिन गौरव के घर एक खत आया जिसमें 8 लाख रुपए की फिरौती के बदले गौरव को छोड़ने की बात लिखी गई। डरे सहमे गौरव के पिता ने गौरव की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई और पुलिस ने जल्द कार्रवाई दिखाते हुए गौरव को मुरादपुर से ढूंढ निकाला। तो एक दिन ये लेटर मेरे गाय के पास मिला था, मैं यहाँ दे गया है लेटर। मेरे से उन्होंने पैसा मांगा था, लेटर दिया है, पैसा मांगा था, फोन नंबर हाउस पर, मैं उस पर कॉल करता रहता था, उसी पे ही मैं सर में बना रहा हूँ पैसा। सर अभी थोड़े पैसे हैं सर, अभी और कुछ बन गए हैं, कुछ बना रहा हूँ। इन्होंने मेरे को 5 दिन का टाइम दिया, 3 दिन बाद फिर बोले कि भी पैसे का इंतजाम हुआ नहीं, वहाँ नहीं पैसा बना तो हम बच्चे को मार देंगे। 1.5 लाख रुपए बताया था पर्चे पर जो, हाँ 1.5 लाख रुपया इसमें पर्चे में, उसका ब्याज लगता है 7-8 लाख रुपया जो भी है पूरा पैसा लेंगे हम। पुलिस ने खुलासा किया कि इस वारदात को गौरव के चाचा सनी ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था और पकड़े जाने के डर से फिरौती फोन पर नहीं खत से मांगी। किसी को शक न हो इसलिए मुख्य आरोपी ने वो खत एक महिला से लिखवाया था। सर मेरी दुकान नहीं चल रही थी, हाँ। और पैसे की ज्यादा तंगी की वजह से मैं ब्याज पर पैसे मांग रहा था जिससे मुझे कहीं नहीं मिले। उसमें 8 बजे करीब सनी भाई मिले, उन्होंने कहा पैसे की तंगी है क्या, मैंने कहा हाँ, कहे उन्होंने कहा फिर ये काम करने के लिए एक काम करो कि आप ये छोटा सा मेरा काम कर दो, 50,000 दूंगा। छोटा सा काम क्या? ये गौरव को उठाने का। पुलिस ने आरोपी सनी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। कहानी का सूत्रधार जो है वो स्वयं गौरव का चाचा है सनी, जो लेटर है वो इस बॉक्स के अंदर रखकर धमकी भरा पत्र लिखा गया जिसमें 7,80,000 रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस पहले प्रयास कर रही थी लेकिन फिर युद्ध स्तर पर टीमें बनाकर पुलिस ने प्रयास शुरू किए, उसी के परिणाम स्वरूप पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चाची और किशनपाल और विजय दोनों जो हैं वो जा रहे हैं जो बच्चे के अपहरण करता है। पुलिस ने उनको पकड़ा, उनके पकड़ने के उपरांत आगे जितने लोगों ने अपहरण किया था उनको
जोड़ते हुए ये अपहरण की जो घटना थी उसका नाम। गौरव अब अपने घर पहुंच गया है और उसके माता पिता भी काफी खुश हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि आखिर पैसे के लालच में कैसे कोई शख्स अपने ही सगे भतीजे को उसके माता पिता से अलग कर सकता है। गाजियाबाद से आगरा जी मीडिया। उधर फरुखाबाद में एक युवती ने दरोगा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। युवती के मुताबिक दरोगा की प्रेमिका उसके पड़ोस में ही रहती है और उसके इशारे पर दरोगा उससे और उसकी मां को परेशान किया करता है और उसे घर छोड़ने की धमकी तक दी जाती है। ये हैं वो खाकी वर्दी वाले जो आपको सदैव सुरक्षा का भरोसा देते हैं, गुनाह से आपकी रक्षा करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आप रात को चैन से सोते हैं, खुद को महफूज समझते हैं। लेकिन अगर यही खाकी वाले आपको परेशान करे, आपकी रातों की नींद उड़ा दे, आपको आपका घर छोड़ देने की धमकी दे, तो भला आप कैसे इन पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फरुखाबाद के मऊ दरवाजा के नेकपुर गांव से सामने आई एक वारदात ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली और उसमें काम करने वालों को एक बार फिर कटघरे में ला खड़ा किया है। इनसे मिलिए, ये है श्यामा देवी जो आजकल परेशान है इंद्रेश नाम के दारोगा से। श्यामा का आरोप है कि इंद्रेश नाम का दारोगा पिछले काफी दिनों से इन्हें और इनकी माँ को परेशान कर रहा है, इन्हें घर छोड़ने की धमकी दे रहा है और वो ऐसा कर रहा है अपनी प्रेमिका के कहने पर। मेरे गांव की मेरे पड़ोस एक लड़की है पूजा, पहले से कुंवारे पे लव चल रहा था, अब उसकी शादी शुदा हो गई, सब वो घर में ही जाती है अपने ससुराल में, से भगा के लाए इंद्रेश दरोगा जी भगा लाए, वो यहीं पे रहती, मारपीट कराती, सबको गुंडागर्दी सब कुछ करती है, वो जैसे जो इंद्रेश कहते तैसे ही वो करती है। अगर इंद्रेश उनके घर बैठ जाएंगे जाके और कहेंगे उनसे इनके भैया भतीजे पूजा के जा उन्हें घर में घुस के मारो जाके, तो वो उतने घर मारने लगेंगे आके, जो आराम से चाय नाश्ता करते हैं बैठ के वहाँ पे। आपको बता दें कि पीड़ित महिला का भाई विदेश में नौकरी करता है और वो अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती है। कहीं जाते हैं तो मेरी रास्ता घेरते हैं, एक बार बाइक से आए तो मैं अपनी जान बचा के भागी वहाँ से, तो मुझे किसी रास्ते घर ने बचा लिया उसने कि क्या है, क्यों परेशान कर रहे इस लड़की को, रास्ता घेर रहे थे, तो हमने उसके बाद फिर हमने सूचना दी, एसपी को बताया दो बार हमने की सर ऐसी सी बात है, तो वहाँ से ही मेरी समस्या नहीं हल हो रही है। पीड़िता ने अपनी शिकायत राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना राठौर से भी की और शिकायत के बाद दारोगा को तलब भी किया गया। मैंने दारोगा को तुरंत बुलाया था यहाँ पे, सीओ साहब मौजूद थे और वहाँ के थाना अध्यक्ष को भी, तो दारोगा जी की भी बात सुनी और उनको ये भी वार्निंग दे दी गई है, अगर आपने दोबारा किसी भी प्रकार की हरकत इस तरीके की पाएगी तो आप फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में रह नहीं पाएंगे और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। दारोगा इंद्रेश पर कब और क्या कार्रवाई होती है ये तो नहीं मालूम, लेकिन दारोगा साहब की दबंग गई और इनकी इस हरकत ने ये तो जरूर साबित कर दिया है कि कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने से गुरेज नहीं करते। फरुखाबाद से अरुण सिंह जी मीडिया। और फरुखाबाद के बाद अब खबर मुरादाबाद से, और बात दहेज के दानवों की अगर ऐसी करें तो एक ऐसी शर्मनाक करतूत सामने आई है जिन्हें इस कड़कड़ाती ठंड में अपनी नवजात पर भी तरस नहीं आता। इस बार दहेज के लालच में चूर लोगों ने जो कुछ भी किया है उसे देखकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। क्या है पूरा वाक्य, क्या है पूरा मामला और कौन है वो बदनसीब पीड़ित, करते हैं तफ्तीश। इस महिला का नाम प्रियंका है जो अब अपनी नवजात बच्ची के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इस महिला के साथ जो हुआ है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जिसने इसके साथ सात फेरे लिए थे। इसके साथ जिंदगी भर साथ देने की कसमें खाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसके पति और उसके घर वालों की जिन्होंने इसे अब घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मामला मुरादाबाद के गलचही थाना इलाके के गांधीनगर का है जहां के रहने वाले सुभाष खन्ना की शादी तमिलनाडु की रहने वाली प्रियंका के साथ 1.5 साल पहले हुई थी। प्रियंका के मुताबिक उसके पति और उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे और उसकी बच्ची को घर से निकाल दिया है। हमारे ससुर ने हमें यहाँ से निकाल दिया ये कह के कि आप किराए के घर पे जाओ, यहाँ पे खुद इनके घर पे 4 किराएदार रहते हैं। मेरी शादी पिछले साल हुई थी और मेरी एक छोटी सी बेबी भी है,
और इन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारे झूठे इल्जाम लगाए कि मेरा कैरेक्टर खराब है, इसलिए मुझे इनके लड़के से डिवोर्स चाहिए और मैं घर से निकल जाऊँ। और परसों मैं आई थी, मेरे बुआ चाचा मुझसे मिलने आए थे, तो उसके बाद शाम को जब मैं लौट के आई तो इन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कहते हैं नहीं, तुम अब इस घर में घुस भी नहीं सकती हो। प्रियंका और उसके घर वालों का ये भी आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने कुछ दिनों पहले उनसे 30 लाख रुपए की मांग की थी। जब प्रियंका ने इसका विरोध किया तो उसे बच्ची के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, उसके ससुराल वालों ने उसके ही खिलाफ थाने में बदसलूकी की शिकायत भी की है। तीज त्योहार के ऊपर इनको पैसा भेजता रहा हूँ, मिठाई वगैरह वहाँ से कोरियर करता रहा हूँ। उसके बाद भी ये लोग पैसा मेरे से अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 30 लाख की डिमांड करते रहे। प्रियंका के माता पिता को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने मुरादाबाद पहुंचकर महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुट गई है। मामले में महिला के पति, सास और ससुर को आरोपी बनाया गया है। आरोप के परिपेक्ष में FIR लॉन्च कर ली गई है लड़का पक्ष के खिलाफ, और उसमें विवेचना से, काउंसलिंग से जो भी सत्यता पाई जाएगी तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रियंका और उसके माता पिता अब चाहते हैं कि उसके ससुराल वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि कोई और दहेज के दानव ऐसी हरकत करने की हिमाकत ना कर सके। मुरादाबाद से दीपचंद जोशी, जी मीडिया। पीलीभीत में शख्स की बुरी तरह से पिटाई के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। पिटाई करने वाले चौकी इंचार्ज को SP ने सस्पेंड कर दिया है। कल आपको बताया कि शाहगढ़ में चौकी इंचार्ज ने एक शख्स को बुरी तरह से पीटा था। विधायक के बीच बचाव करने के बाद ही उसे छोड़ा गया, जिसके बाद शख्स को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना उस वक्त की है जब अभयपुर गांव में रहने वाला शख्स जगदीश शाहगंज स्टेशन से पुरनपुर जा रहा था। इस मामले में विधायक ने पुलिस में शिकायत भी की थी। और पीलीभीत के विक्रमपुर गांव में एक शख्स की युवक को घर आने से रोकने पर हत्या कर दी गई। घटना बरखेड़ा थाना क्षेत्र की है और हत्या का आरोपी आरिफ फरार है। आरिफ राजीव के घर अक्सर आता जाता था। पत्नी की शिकायत के बाद राजीव ने आरिफ को घर आने से मना कर दिया और दोनों कल शाम बाजार गए थे और आज राजीव का शव खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने केस दर्ज, आरोपी की तलाश शुरू कर दी। नए साल और क्रिसमस के जश्न में नैतिकता के पहरेदार खलल डाल सकते हैं। इसकी वानगी दिखी महाराष्ट्र के ठाणे में, जहां बदलापुर रेलवे स्टेशन के स्काई वॉक में युवक युवतियों की कुछ लोगों ने पिटाई की। मारपीट से पहले युवक युवतियों से मॉरल पुलिसिंग की तर्ज पर कई सवाल पूछे गए और उनकी बेइज्जती भी की गई। युवा जोड़ों से घरवालों के नंबर भी पूछे गए और उन्हें माफी मांगने पर मजबूर किया गया। माफी मांगने के बाद भी युवक युवतियों की पिटाई कर दी गई है।